दोस्त का क्या हुआ? जी जो उसके साथ हुआ वो तो भगवान किसी के साथ भी ना करे। अच्छा खासा पढ़ लिख भी गया था और एक लड़की से प्यार भी करने लगा, पर ब्याह नहीं हुआ उसका। पर क्यों? उसके बाप की वजह से। अरे तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर का कुछ कर लेगी? पिताजी कद सुधरोगे तुम? अरका छोड़ दोगे पागलपन? मैं इस घर के आगे से किसी को लड़के लड़ दूँ? आने दिया किसे? मेरे बाप की लड़ गई ना, तेरे बाप की है, अब क्या निकल के दिखी है तेरा? राज मुझे देखने वाले आ रहे हैं, या तो तुम अपने बाप की हरकतें बदल लो या फिर अपना बाप ही बदल लो। कैसी बात कर रही है भावना, बाप भी कहीं बदल जाते होंगे क्या? मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर ले, तू बाहर जाके ना कोई अच्छा सा काम ही कर ले। काम मिलना भी तो आसान बात ना है भावना। राज मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सुनो एक काम करो, या तो कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो या फिर कोई अच्छे ब्रांड की पी लो, क्योंकि दिल तो टूटना ही टूटना है। इससे तुम्हारा लीवर तो बच जाएगा, क्योंकि अच्छे ब्रांड का यही तो फायदा होता है। ओ बेटे क्या जहर लड़की है, हे भगवान ये जहर खा के मरना है मुझे। भगवान एक बार मदद कर दो, बस भगवान प्लीज एक बार। जी ये गांव कौन सा है? तुम्हारी ससुराल। क्या जी? वो सुखराल, सुखराल। आपके गांव में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, क्या आप रास्ता बता दोगे? मेडिकल कैंप भी लगा करे? मैंने मेडिकल कैंप बोला है। जी आप यहाँ से सीधे जाइए, यहाँ से आगे जाके उल्टे हाथ पे मुड़िएगा, वहाँ एक नीम का पेड़ होगा, उसी के नीचे काला कुत्ता लेटा होगा, वहाँ से सीधे हाथ पे सामने आपको मेडिकल कैंप दिख जाएगा। जी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैं तो आपको जिंदगी भर रास्ता दिखा सकता हूँ। हाँ? जी मेरा मतलब है जरा संभल के जाना, क्योंकि चांद को पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है और मैं नहीं चाहता ये चांद किसी और का हो। क्या करूं यार, भावना ने तो मुझे नोटिस दे दिया, अगर एक महीने में नौकरी न लगी ना तो भावना भी ना मिले। अरे भोखे मिस्टर इंडिया बन जाएगी जो मिलनी ना। साड़ो फिकर करो मेरी, अगर बापू ने यो सेल्स मैनेजर बनने वाला कीड़ा अगर बाहर ना निकलन दिया ना तो ये कीड़ा मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा, और फिर तुम्हारा भाई ऐसा गिरेगा खड़ा खड़ा जैसे दीमक लगी चौखट गिरा करे। अरे यार किसका बाप चावे कि उसका जवान छोरा साड़िया बांध बांध के पूरे गांव में घूमे। अरे आशिक तू सुन, अच्छी छोरिया का मिलना ना बहुत मुश्किल काम है, तो जगाओ अपने सोए हुए जमीर को। तो के करे हम? करना के दिखा दो दुनिया को कि देखने में जितने नालायक तुम हो उतने हो नहीं। इस काम से बाहर निकलो और काम करो काम। शहर जा रहा हूँ मैं राज के साथ। क्या करने? वहाँ जाएगा बड़ा सेल्स मैनेजर बनूंगा। चुपचाप फावड़ा उठा और खेत पर चल। ना कह दो खेतों से, उनका मेरा साथ यहीं तक का था, बस अब और नहीं। ले पकड़ और वापस ना आ जाइए। दूसरा बैग तो दे दो मेरा। सब कुछ तो इसमें ले चला, दूसरे में कौन सा खजाना है? मेरी साड़ी इसी में रख दी। आराम से, मेरे संतरे भी इसमें फूट गए तो। निकल जा कंजर निकल जा। भावना मैं तुझे ना मिस कॉल मारे करूँगा, तू मुझे फोन कर ले करिए। तुझे गांव में कोई छेड़े ना तू मुझे फोन कर दिए, मैं फोन ना घुस के उधेड़ दूँगा। तू टेंशन मत ले, जो मुझे छेड़ता है वो तो तेरे साथ ही जा रहा है। ओ आशिक रे जल्दी आजा, बस चलने वाली है, तेरा रोने धोने वाला प्रोग्राम भी बच रहा होगा, निपटा ले जल्दी आजा। तू चुपचाप बैठ जा, ठगत रहे ईंट मार दूंगा। भावना तू जा, बस जाने वाली है। अच्छा तुम खाना टाइम से खा लिया करना और इस डिप्टी से ना दूरी रहना, नहीं तो इसकी तरह बेकार हो जाओगे। अच्छा तेरे धोरे रह के बन गया बड़ा कमिश्नर, पागल कहीं का। तू छोड़ ना उसे, बाय। हेलो बाय भावना। भुक्का मर रहा दिखे साले, कहीं वापस गांव ना जाना पड़ जा, मेरा तो बापू भी ना घुसन दे। अब चल देखेंगे।
अरे यार ये कहाँ से टपक पड़े? अरे कैसे, तो तुम कह रहा था बहुत बड़ा काम है मेरा यहाँ। तो काम तो बड़ा है, तो इन भैंसों को देख के मैं सोचे डेरी है बहुत बड़ी, पूरे गांव का दूध आवे। और भाई कैसा आया तुम यहाँ और कितने दिन के लिए आए हो? भाई जब तक चार आदमी हमें कंधे पे रख कर शमशान नहीं छोड़ कर आते ना तब तक के लिए। ओहो बड़ी कामयाब भी सोच के आए हो, और रहोगे कहाँ? जब तुम्हारे सोए हुए जमीर जगा रहा तू, यही सोऊंगे तेरे दौरे, यही रहेंगे तेरी छाती पे। अरे मैं तो खुद इन भैंसों की गैल सोऊं, तुम यहाँ कहाँ एडजस्ट करोगे? हम तो भैंसों की गैल भी एडजस्टमेंट बैठा देंगे क्यों डिप्टी? हाँ और देख भाई अब एडजस्ट तो तुझे ही करना, चाहे भैंसों की गैल रख या झोटो की गैल रख, कर ले यार प्लीज। चलो ठीक है, तुम एक दोस्त के साथ एडजस्ट करवाते हैं। वो कौन है? मेरा स्टार यार मास्टर। मास्टर सलीम? अरे नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ावे इस मारे उसे मास्टर कहवे। अरे जैसे ही डिप्टी है भाई, तो किसी मास्टर धरे रखवा चाहे डॉक्टर धरे रखवा, बस रखवा ले। बच्चों 5 किलो के नाम बताओ। चुप, आजकल के बच्चे फोन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। प्रज्ञा आप एबीसीडी सुनाओ। ABCD होती है, छोटी हो बड़ी हो। अरे मौज तो तू ले रहा भाई, चलो बाल को छुट्टी। अरे बच्चों को छुट्टी। अरे कौन है जो मेरे बच्चों को भगा रहा है? अरे मेरे दोस्त हैं डिप्टी और राज, ये गांव से आए हैं। यार मैं तो मजाक कर रहा था, बालक सीरियस ही ले गए। अरे बड़ी मुश्किल से बालक घेरे, कोई स्कूल वाला नौकरी देने के तैयार नहीं। खैर छोड़, तू बता तू कैसे आया? अरे यार ये डिप्टी और राज आज आए हैं गांव से, इन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए। भाई की सरकारी नौकरी दिखे, पोस्टिंग ही हुई दिखे। अरे ना भाई, इसका नाम तो कलवा, तो इसका बाप इसे डिप्टी बनाना चाहता था, डिप्टी तो बनाना सोचा नाम ही धर ले। अरे मेरे जैसा हाल दिखे, चलो छोड़ दो, रूम की बात कर रहा था, मेरे वाला रूम चल जाएगा? हाँ चल जाओगा चल जाओगा। मेरा मकान मालिक 1500 रुपए लेता है, तुम भी 1500-1500 रुपए दे देना। ठीक है मास्टर। क्या ठीक है, मेरे पे कहाँ आए पैसे? मेरा टिकट भी डिप्टी ने लिया। मैंने ना लिया कोई भी टिकट विकट, साले वो तो मैंने झूठ बोली थी, आया तू विदाउट टिकट ही है। और देख भाई मास्टर, मारे पे तो रला मिला के 500-450 रुपए होंगे, अब तू देख ले। मास्टर इस महीने किराया तू दे दे, अगले महीने का हम देख ले लेंगे। ओ भाई मैं 100-100 रुपए के ऊपर धक्के खाता फिर रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा 4500 रुपए? अरे इनका तो बहुत बुरा हाल है, तू के काम करे है? अब अपना अब यो भाई बहुत जल्दी क्लर्क लगने वाला। अरे मैं इसकी ना तेरी पूछ रहा हूँ। तू सेल्स मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा, और बाकी मैं क्लर्क बन ही जाऊंगा, यू मैनेजर बन जाऊंगा, भरे के न्यारे हो जाऊंगे। भाई कर ले एडजस्ट। एक तो स्कीम हो सकती है, मेरे मकान मालिक के सोने के बाद आना और उठने से पहले चले जाना, जब तो फ्री में रह सकते हो। जब फ्री रहना तो तू भी हमारी गैल रह ली। ठीक है चलो चलो चलो। जीवा के उसका घर। आइयो थोड़ी नीची आवाज में। ला भाई दारू निकाल। क्यों, मैंने ठेका खोल रखा, जब भी देखो ला दारू ला दारू। जब तक नौकरी लग जाती ना कोई दारू नहीं पिएगा। ओए चुपचाप सो जाओ साला, काम ढूंढने आयो दारू पीने आयो? कंबल दे दे भाई। चल परे। रे सो जाओ। अरे लौट जा, मत ना ड्रामे करे।
सालो नू कह रहे थे कि नौकरी लगने के बाद में पियेंगे। सुबह हो गई। उई, ओए, ओए, सुबह हो गई। ओए, सुबह हो गई। सो जा चुपचाप, तू धार काटने जाना। अरे खुद भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। चलो, अरे चलो खड़े हो यहाँ से। अरे मास्टर, अबे दूध में पत्ती लगा दे यार। बड़ा है फूफी क्या यार। लो फिर एक गिलास पानी पिला दे अपने फ्रिज में से। यहाँ बड़े फ्रिज धरे, खड़ा हो ले खड़ा। अरे इस देसी फ्रिज को कह रहा हूँ, इसमें से पिला दे। हाय हाय, खड़ा हो ले खड़ा। तू भी तितर हो जाए यहाँ से। अरे तो मास्टर कह रहा था, हम चलते क्यों ना हो। कपड़े पैरो चलते बनाओ। सड़ा चाहे कुछ भी हो जा, 1500 रुपए इकट्ठे करके लाने, चाहे किसी की जेब काट के लानी पड़ जाए। सालों ने दुखी कर रखा। भाई सालों ने कतई फुटबॉल ही बना रखा। इससे पहले चोरी का इल्जाम लगे ना, कुछ नौकरी वोकरी देख लो। सही कह रहा है यार तू। चलो चलो। अरे छोड़ ना।